नमस्कार, मैं रुपेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। आप सभी को मालूम है जैसे कि CGPSC ने 171 पदों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, जैसे कि सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, कितने पद हैं, सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें। बात करते हैं 171 पदों की भर्ती पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि CGPSC हर साल 26 नवंबर को वैकेंसी निकालता है। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका एग्ज़ाम 13 फरवरी 2022 को होगा। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 13 फरवरी 2022 को दिया गया है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सुबह तथा दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक दिया गया है। आपको स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा होगा कि प्रारंभिक परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 दिसंबर 2021 को दिया गया है तथा अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2021 को दिया गया है। मुख्य परीक्षा की तिथि है 26, 27, 28 एवं 29 मई 2022 तक। सबसे महत्वपूर्ण की बात करते हैं तो राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अब या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1 दिसंबर 2021 को दिया गया है तथा अंतिम तिथि 30/12/2021 यानी कि 30 दिसंबर 2021 को दिया गया है तथा इसका वेबसाइट है www.pscgovernment.in पर आप कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधार कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 को दिया गया है। आवेदन में ऑनलाइन त्रुटि सुधार के कार्य हेतु 100 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। तो चलिए सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं इसकी योग्यता की, सिलेबस क्या है, कितने पद इनके बारे में जानते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा की बात करें तो इनके लिए 15 पोस्ट दिए गए तथा वेतनमान दिए गए 56,100 रुपये। दूसरा देखते हैं राज्य पुलिस सेवा। राज्य पुलिस सेवा के लिए 30 पोस्ट दिए गए हैं और 56,100 रुपये इसका वेतनमान दिया गया है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी के लिए 10 पोस्ट दिए गए हैं और इसका वेतनमान भी 56,100 रुपये है। श्रम पदाधिकारी के लिए 3 पोस्ट दिए गए हैं, इसका वेतनमान भी 56,100 रुपये है। इसी प्रकार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सब पोस्ट दिया गया है। बात करते हैं हम नायब तहसीलदार की। नायब तहसीलदार यानी कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के लिए 30 पोस्ट दिए गए हैं, वेतनमान दिए गए 35,400 रुपये। उसी प्रकार यह सब पोस्ट दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों, टोटल है इसका 171 पोस्ट दिया गया है। इनका PDF आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अब प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र दिए गए हैं, कोड नंबर भी दिए गए हैं, परीक्षा के केंद्र का स्थान भी दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सेवा भर्ती तथा पदोन्नति के नियम 2005 के अनुसार पुलिस अधीक्षक हेतु आयु की सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु सीमा की छूट की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु की सीमा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी या छूट दी जाएगी। नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो 100 प्रश्न रहेंगे और 200 नंबर का रहेगा। समय है 2 घंटे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक 1/3 अंक काटे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र की योग्यता की परीक्षा की बात करते हैं तो 100 प्रश्न दिया रहेगा, अंक 200 का है और समय 2 घंटे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक 1/3 अंक काटे जाएंगे यानी कि 1/3 अंक काटे जाएगा। न्यूनतम अर्हताएँ की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की बात करें तो परीक्षा का योजना है लिखित परीक्षा। प्रश्न पत्र का नाम दिया गया है, प्रश्न पत्र की समय अवधि दिए गए, कितने अंक आएगा वो भी सब दिया गया है। प्रश्न पत्र प्रथम है भाषा, समय 3 घंटा, 200 नंबर का रहेगा। दूसरा प्रश्न है निबंध का, 3 घंटे का समय रहेगा और 200 नंबर का रहेगा। प्रश्न पत्र तीसरा में सामान्य अध्ययन का दिया गया, 3 घंटे का रहेगा और 200 नंबर का रहेगा। प्रश्न पत्र चौथा है सामान्य अध्ययन सेकंड का, 3 घंटे का रहेगा और 200 नंबर का रहेगा।
प्रश्न पत्र पांचवा है सामान्य अध्ययन, तीसरा का 3 घंटे का समय रहेगा और 200 नंबर का रहेगा। प्रश्न पत्र छठवा दिए गए सामान्य अध्ययन चौथा का, वो भी 3 घंटे का और 200 नंबर का रहेगा। प्रश्न पत्र सातवा दिए गए सामान्य अध्ययन का, पांचवा 3 घंटे रहेगा, 200 नंबर का, कुल है अंक 1400 का होगा। साक्षात्कार व्यक्तित्व का परीक्षण का रहेगा 150 नंबर का, कुल अंक है 1550। यहाँ पर टोटल है 1550 नंबर का दिया गया है। चलिए बात करते हैं प्री मेंस सिलेबस की, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सामान्य अध्ययन के लिए सब दिया गया है और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न पत्र द्वितीय की सिलेबस की बात करते हैं तो योग्यता परीक्षा देखते हैं, 100 प्रश्न होंगे और अंक 200 का होगा और समय अवधि 2 घंटे का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा दोस्तों। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर पर हेतु सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक 1/3 अंक काटे जाएंगे। यही सब इनका सिलेबस है। अगर इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा दोस्तों, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही नया नया वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हो या लेटेस्ट खबरों से जुड़ना चाहते हो तो ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जुड़े रहें। लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए तथा वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, साथ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। इसी चैनल पर आपको मैथ्स और रीजनिंग के सवाल बताए जाएंगे, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।